जितनी भी सरकारी एजेंसी काम हो रहे हैं गुणवत्ता कहीं नहीं है, जिसका परिणाम है कि एक सप्ताह में आधा दर्जन फूल गिरे। कोई गठबंधन के लोग कहते हैं कि हमारे कैंडिडेट नहीं जीतेंगे, उनका दावा खोखला दावा है। जनता तय करती है और जनता मन बना चुकी है। हमने पॉलिसी लाई है, उस पॉलिसी को अगर सरकार जमीन पर उतार दे, अगर वर्तमान अभी जो है, तो हमको लगता है कि 5 लाख नौकरियां सिर्फ आईटी सेक्टर में उनको मिलेगा। रुपोली विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव में बीमा भारती को जीत दिलाने के लिए राजद ने पूरी टीम को रुपोली में प्रचार प्रसार के लिए उतार दिया है। पार्टी के कई बड़े बड़े कार्यकर्ता, नेता, विधायक, पूर्व मंत्री लगातार क्षेत्र में मुआयना कर रहे हैं और जनता को बता रहे हैं कि रुपोली विधानसभा क्षेत्र से राजद उम्मीदवार बीमा भारती की जीत नीतीश कुमार को साफ संदेश देने के लिए होगा। यहाँ के लोग बता देंगे कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर अब उन्हें कहीं से पसंद नहीं है। पूर्व मंत्री और वर्तमान में राजद के मसूरी काठी मुजफ्फरपुर से विधायक मोहम्मद इसराइल ने मीडिया से बातें करते हुए कहा कि नीतीश सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है, अधिकारी तानाशाह हो गए हैं और नीतीश कुमार केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। जनता में उनकी कोई इज्जत नहीं रह गई है, इसीलिए वे साफ साफ नीतीश कुमार को बताना चाहते हैं कि रुपोली विधानसभा क्षेत्र से बीमा भारती को चुनाव जिताकर यहां की जनता आपको सबक देगी और यहां की जनता नीतीश कुमार को साफ साफ बताएगी कि उनका जनाधार अब जनता के बीच पूरी तरह से खत्म हो गया है। और बिहार की जनता अब तेजस्वी यादव की ओर देख रही है, जिन्होंने सरकारी नौकरियां बांटी हैं, आरक्षण दिया है और कई महत्वपूर्ण कार्य भी किए हैं। देखिए, लोग सरकार को आईना दिखाने के लिए वोट करेगी इस बार यहाँ के लोग, इसलिए कि लगातार जो है सो फूल गिर रहे हैं इस राज्य में। एक सप्ताह में आधे दर्जन फूल गिर गए, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। प्रखंड चले कार्यालय चले जाइए, अंचल कार्यालय चले जाइए, आम जनता को कोई पूछने वाला नहीं है, बिना रिश्वत का कोई काम नहीं हो रहा है और गुणवत्ता जितनी भी सरकारी एजेंसी काम हो रहे हैं गुणवत्ता कहीं नहीं है, जिसका परिणाम है कि एक सप्ताह में आधा दर्जन फूल गिरे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि रुपौली की जनता सरकार को आईना दिखाएगी और बीमा भारती को लालटेन छापर वोट देकर विजयी बनाएगी। अगर ये सीट जीत जाते हैं तो किस तरह का आईना सरकार को दिखाएंगे, क्या मैसेज जाएगा यहाँ से? निश्चित तौर पर जो है कि सरकार अभी मस्त चल रही है, जनता को कोई पूछने वाला नहीं है। बिहार के ज्यादातर नेता दिल्ली में जाके बैठ गए हैं, अफसरशाही चरम सीमा पर है, कोई नियंत्रण नहीं है। तो निश्चित तौर पर जो है सरकार पर कुछ असर पड़ेगा इसका, निश्चित तौर पर पड़ना चाहिए और जनता को जनहित में विपक्ष को तो मजबूत करना ही चाहिए ताकि राजा जो है मस्त नहीं हो, जनता के लिए सोचने का काम करे। तो मुझे लगता है कि हम घूम रहे हैं और जो परिस्थिति दिखाई दे रही है वैसे परिस्थिति में भ्रष्टाचार के खिलाफ लोग जो है रुपौली की जनता आईना दिखाने का काम करे। एनडीए वाले बोल रहे हैं कि किसी भी कीमत पर रुपौली विधानसभा का जो सीट है वो गठबंधन वाले छीन नहीं सकते हैं, महागठबंधन वाले। कोई पार्टी, कोई गठबंधन के लोग कहते हैं, कोई गठबंधन के लोग कहते हैं कि हमारे कैंडिडेट नहीं जीतेंगे, उनका दावा खोखला दावा है। जनता तय करती है और जनता मन बना चुकी है कि हमारे कैंडिडेट नहीं जीतेंगे, उनका दावा खोखला दावा है। जनता तय करती है और जनता मन बना चुकी है। तो यहाँ सर लगता है कि कोई लड़ाई है एनडीए वर्सेस महागठबंधन में, या फिर निर्दलीय के साथ भी लड़ाई हो सकती है? नहीं, कोई तीसरा कोई विकल्प नहीं है, तीसरा बीच का कोई विकल्प हमको नहीं समझ में आया है। सीधा सीधी लड़ाई है जिसमें महागठबंधन प्रत्याशी, राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी श्रीमती बीमा भारती के पक्ष में यहाँ के लोग। आरजेडी ने पूरी तरह से सेना उतार दिया है यहाँ चुनाव कैंपेनिंग के लिए, प्रचार के लिए। सभी पार्टी के लोग आते हैं, चुनाव है, उपचुनाव में तो सभी पार्टी के लोग आते ही रहते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है।
सभी पार्टी के लोग अपना अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लोगों से सर जब मिल रहे हैं तो यहाँ का लोकल कुछ समस्याएं हैं जो आपको लग रहा है कि उसको दूर करने की आवश्यकता है? हम बोले सबसे बड़ी समस्या तो हमने आपको बताया कि बिना रिश्वत का कोई काम ही नहीं हो रहा है। कहीं कोई आम जनमानस को प्रमाण पत्र भी बनाना होता है तो गांधी जी का दर्शन कराने के बाद बन रहा है। की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जो पुल पुलिया की समस्याएं हैं, तो पुल तो गिर रही है तो फिर क्या लोग ही करेंगे? तो लगातार बिहार सरकार में पुल, यही अररिया में ना पुल गिरा है आपका। आप उस प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे हैं जो प्रत्याशी यहाँ से नेतृत्व लगातार 20 वर्षों से कर रही थी, उन्हीं के लिए वोट फिर आप मांग रहे हैं? उन्हीं के समय में मान लीजिए विकास होना था तो उन्हीं के समय में होना था विकास? देखिये अररिया का जहाँ तक पुल अभी गिरा है ना, ये विधायक तय नहीं करते, मैं भी विधायक हूँ। ये पॉलिसी बनती है, सरकार तय करती है, और सरकार के अधिकारी गुणवत्ता देखने का काम अधिकारियों का काम है। तो कहीं ना कहीं अफसरशाही चरम सीमा पर है इस सरकार में, जिसके कारण इस तरह की बातें हो रही है। उस पर नियंत्रण करने की आवश्यकता एकदम निश्चित तौर पर, अफसरशाही ब्यूरोक्रेट इस सरकार पर हावी हो गया है। सर आप लोग विपक्ष में है, कंट्रोल करना तो आप लोगों के भी काम है। तो हम तो आवाज़ बोल, हम आपके माध्यम से भी तो बोल रहे हैं, तो आवाज़ ही ना उठा रहे हैं। सरकार को आईना ही ना दिखाने का काम कर रहे हैं। लेकिन सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? तो सरकार, हम बोले कि ये लोग मस्त हो गए हैं, अभी सभी लोग दिल्ली में पार्टी कर रहे हैं, बिहार की जनता को छोड़ चुके हैं। लोकसभा चुनाव जीते हैं, सरकार बनी है तो पार्टी तो करेंगे वो लोग। तो जनता को देखिए, इस तरह इतना भी मस्त नहीं हो जो इनका जो है से पुल अभी गिर रहा है, अभी बारिश भी नहीं हुआ है, पुल गिर रहा है। सर अभी क्या क्या आपका इधर क्या रूटीन है आपका? अभी है लोगों के बीच में जाएंगे, हम लोगों के आदरणीय नेता बेरोजगारों के अरमान युवा दिल के धड़कन तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 17 महीना में जो कार्य किया है, उन्होंने सरकार में 17 महीना में 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का काम किया है, नौकरी देने का काम किया है। पहली बार बिहार में आईटी पॉलिसी लाई गई, टूरिज्म पॉलिसी लाई गई, खेल पॉलिसी लाया गया, जो बच्चा खेलेगा उसको भी नौकरी, मेडल लाओ नौकरी पाओ की पॉलिसी लाई गई। तो 17 साल से सरकार चल रही थी, हम ही आईटी मिनिस्टर थे। जब हमने पहला रिव्यू किया तो आईटी पॉलिसी ही नहीं थी विभाग का, हमने आईटी पॉलिसी बनाने का काम किया है। इससे लाखों बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, हमारे आईटी सेक्टर से जुड़े हुए लाखों बिहार के नौजवान दूसरे राज्य में नौकरी करने जा रहे हैं, विवश है, घर से दूर रहते हैं, परिवार से दूर रहते हैं। हमने पॉलिसी लाई है, उस पॉलिसी को अगर सरकार जमीन पर उतार दे, अगर वर्तमान अभी जो है, तो हमको लगता है कि 5 लाख नौकरियाँ सिर्फ आईटी सेक्टर में उनको मिलेगा। तो हम लोगों के नेता, युवा नेता रोजगार की बात करते हैं, 80 शिक्षा की बात करते हैं, 80 स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो ये लोग जुमलेबाजी करने का काम करते हैं। लेकिन मुझे बहुत ही है कि आज जो उन्होंने आईना दिखाने का काम किया है, जो लोग कहते थे कि कहाँ से रोजगार लाएंगे, कहाँ से पैसा देंगे, आज भी रोजगार की बात करने लगे हैं। ये हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का विजय है। फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक का संसार आपका अपना आर बाजार, भरोसे की खरीदारी, मां अंबे रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, ऑल काइंड्स ऑफ फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, NH 31 बाईपास बेलोरी पूर्णिया। और इलेक्ट्रॉनिक का संसार आपका अपना आर बाजार, भरोसे की खरीदारी, मां अंबे रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, ऑल काइंड्स ऑफ फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, NH 31 बाईपास बेलोरी पूर्णिया। अब आपको पटना, सिलीगुड़ी या बाहर इलाज के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब सीमांचल और कोसी जोन के मरीजों के लिए खुल गया एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके शहर पूर्णिया के NH 31 लाइन बाजार कप्तान पुल के पश्चिम में, गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर।
सर्विस टू ऑल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डॉक्टर बी एन कुमार द्वारा संचालित गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर, 2400 घंटे इमरजेंसी विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा। इसके अलावा पूरे देश के प्रशिक्षित टेक्नीशियन, पारा मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर अस्पताल में मौजूद है। 2400 घंटे इमरजेंसी की सुविधा के साथ फार्मेसी, डायग्नोस्टिक, एम्बुलेंस, ट्रीटमेंट, एडमिशन, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, न्यूरोलॉजी एंड रिस्पिरेटरी मेडिसिन, 4 बेड का अत्याधुनिक डायलिसिस यूनिट और 20 बेड का अत्याधुनिक आईसीयू और सीसीयू। बीपीएल कार्डधारी मरीज को प्रत्येक रविवार निःशुल्क देखा जाता है एवं भर्ती मरीज का रियायती दर पर इलाज किया जाता है। साथ ही प्रत्येक महीने के 5 तारीख को सामान्य रोगी को निःशुल्क देखा जाता है। गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर, एड्रेस NH31 लाइन बाजार, वेस्ट ऑफ कप्तान पुल, पूर्णिया।